हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 15 पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज कम्युनिकेशन सर्विसेज का एमसीक्यू का लेक्चर। अगर आपने अभी तक चैप्टर 15 के लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अपना पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं। व्हेन वर द पोस्टल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में पोस्टल सर्विस कब स्टार्ट हुई थी? 1946, 1662, 1873 या 1837। तो इंडिया में पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई थी 1837 में। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, व्हेन वाज द एयरमेल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया, एयरमेल सर्विस कब इंडिया में स्टार्ट हुई थी? 1922, 1933, 1921 और 1911। तो इंडिया में जो एयरमेल सर्विस स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1911 में। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, डैश मीन्स ट्रांसमिटिंग फैक्ट्स एंड आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसा क्या प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं जब हम अपने फैक्टर आइडियाज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, सर्विस, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दिस। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट हैज टेकन द प्लेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस थ्रू पिजन्स एंड बीटिंग ऑफ ड्रम्स। किसने जगह ले ली है किसकी, जो पहले के टाइम में पिजन्स के थ्रू, कबूतर के थ्रू मैसेज को ट्रांसफर किया जाता था या ढोल नगाड़े बजा के मैसेज को ट्रांसफर किया जाता था, उसकी जगह अब किसने ले लिया, इंटरनेट ने, कार्गो ने, ट्रांसपोर्ट ने या ऑल ऑफ दिस ने। तो उसकी जगह किसने ले लिया, इंटरनेट ने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्स, इंटरनेट एंड ईमेल आर मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो फैक्स, इंटरनेट और ईमेल है, क्या वो मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है? ऑफ कोर्स दे आर मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, इंटरनेट इज नॉट हेल्पफुल इन एंटरटेनमेंट। बोल रहा है कि क्या इंटरनेट आपको एंटरटेनमेंट के पर्पज से हेल्पफुल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फॉल्स। इंटरनेट हमारे को एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी बहुत यूजफुल है, इसीलिए हमें बहुत हेल्प करता है वो एंटरटेनमेंट में, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर नॉट रिक्वायर्ड, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट। कौन सी डिवाइस, अगर इंटरनेट है तो उनके लिए, उस कनेक्शन के लिए कौन कौन सी डिवाइस का होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए, कंप्यूटर सिस्टम, टेलीफोन कनेक्शन, मॉडेम, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। तो ट्रेडिशनल मोड है कम्युनिकेशन के, उसमें क्या आता है, कंप्यूटर सिस्टम, टेलीफोन, फैक्स, नन ऑफ दीज। तो इसका क्या आंसर होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम, टेलीफोन और फैक्स ये क्या है, मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड कॉरियर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, एक्स्ट्रा मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिफोर सेंडिंग एन ईमेल यू मस्ट हैव, आप जब किसी को ईमेल भेज रहे हो तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम और एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ईमेल एड्रेस फॉर बोथ सेंडर एंड रिसीवर, कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो ऊपर लिखी हुई ये आपके तीनों ऑप्शंस का होना बहुत जरूरी है, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉकिंग टू पर्सन इन सेम सिटी इज कॉल्ड, जब हम सेम कंट्री में ही किसी पर्सन से बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लोकल कॉल, ट्रंक कॉल, इंटरनेशनल कॉल और नन ऑफ दिस। तो उसको हम कहते हैं लोकल कॉल। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आपको एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 16 वेयर हाउसिंग सर्विसेज के एमसीक्यूज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।